नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स वे पे। कैसे हो आप सब? सीटेट दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आई होप आप अगर जो इस वीडियो को देख रहे होगे तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी बीएड एग्ज़ाम पास किया है और बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हो या डीएलएड या बीटीसी में एडमिशन देने जा रहे हो, तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा क्या सीटेट परीक्षा पास। देखो बीएड ठीक है, बीएड दो साल में करते रहोगे, लेकिन आपको चाहिए कि इन दो सालों के अंदर ही आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लो। ठीक है, सीटेट परीक्षा क्या हम दे सकते हैं? सर हम इस बार बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न ये भी होता है। तो कोई भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर जो आप एडमिशन ले रहे हो तो उसी टाइम उसी समय आप एलिजिबल हो जाते हो सीटेट एग्जाम देने के लिए। यानी कि अगर जो आपने बीएड का एग्जाम बीएड में एडमिशन ले लिया तो आप एलिजिबल हो, डीएलएड में एडमिशन ले लिया तो एलिजिबल हो सीटेट परीक्षा देने के लिए। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, कौन दे सकता है, सीटेट एग्जाम की तैयारी कैसे करना, सिलेबस क्या है, अभी कहां से कैसे पढ़ना है, जिनका कम नंबर है अभी जुलाई वाले में वो क्या कर सकते हैं। अभी एग्जाम हुआ है सीटेट का और आप लोगों ने पेपर देखा ही है, और अभी भी बहुत सारे बच्चों के मन में ये शंका है कि क्या सिलेबस होता है, कैसे होता है। तो जो नए बच्चे उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम कुछ नोट्स आपके सीटेट के पीडीएफ में बनवा रहे हैं। उस नोट्स का डेमो कैसा है, नोट्स क्या है, उसको हम पीडीएफ डालेंगे टेलीग्राम पे, वहां से आप देख सकते हो। आइए सबसे पहले हम बात कर लें कौन कौन दे सकता है परीक्षा। तो सीटेट परीक्षा की बात करें कौन दे सकता है, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि जो भी बच्चा, कोई भी बच्चा आप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करें, ये क्या होता है सर, यानी कि टीचर बनने के लिए कोई भी कोर्स अगर जो आप उसके लिए एलिजिबल हो या एडमिशन लेते हो, आप चाहे आप बीएड में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, आप चाहे बीटीसी या डीएलएड में एडमिशन ले रहा हो, आप चाहे डीएड में एडमिशन ले रहे हो। डीएड क्या होता है सर जी? ये डीएड वन ईयर का होता है, इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। ये डीएड होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये स्पेशल कैटेगरी के होता है, स्पेशल जो बच्चे होते हैं। अब सर स्पेशल बच्चे कौन होते हैं? स्पेशल बच्चे अभी आप जब सीटेट की तैयारी करोगे ना तो उसमें आपको मिलेगा पढ़ने को, स्पेशल बच्चे उन्हें बोल, जैसे जिनके अंदर कोई ना कोई विकलांगता होती या फिर कोई ना कोई, या हम कह सकते हैं दिव्यांग बच्चे, स्पेशल बच्चे में वो बच्चे भी आ जाते हैं जिनकी बुद्धि बहुत तेज होती है पढ़ने में बहुत। अब कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है ना, वो भी किसी कक्षा के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या हो जाती है। ठीक है, अब मैं कक्षा 6 का सिलेबस पढ़ रहे हैं, अब उसी में एक बच्चा ऐसा है जो भाई बहुत टैलेंटेड है, तो वो भी टीचर के लिए एक समस्या बन सकता है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी समस्याएं लेकर आएगा और शिक्षक क्या चाहेगा कि कक्षा 6वीं के हिसाब से पढ़े, तो वो भी समस्या बन जाता है। मंद बुद्धि बालक कक्षा में, वो भी समस्या है टीचर के लिए। तो वो सब बच्चे हैंडीकैप्ड है, देख नहीं सकता पढ़ने, वो सब स्पेशल बच्चे, उनके लिए डीएड होता है स्पेशल एजुकेशन। अभी गवर्नमेंट का आया था कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था हर एक स्कूल में एक स्पेशल एडुकेटर होना चाहिए, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ये कोर्स चलता है। खैर वो सब बात की बात है, यानी कि आप बीएड में एडमिशन ले रहे हो, बीटीसी में, डीएलएड में एडमिशन ले रहे हो, आप किसी भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो, आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यानी कि क्लियर है, इस बार अगर जो आप बीएड में एडमिशन ले रहे हो तो बिल्कुल सीटेट के लिए एलिजिबल हो, आप सीटेट की तैयारी कर सकते हो। अगला सीटेट एग्जाम कब होगा, तो इसके बारे में मैं बता दूं कि अगला जो सीटेट होने वाला है वो दिसंबर में आपका होने वाला है एग्जाम। ये दिसंबर जो मैंने लिखा है कि दिसंबर सीटेट की तैयारी करें, तो ये दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। और फॉर्म कब आएगा तो मैं इसके बारे में बता देता हूं, फॉर्म आ जाएगा सितंबर में, सितंबर में फॉर्म आएगा। इस बार एग्जाम दिसंबर में ही हो जाएगा, दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा और जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक महीने में आपका रिजल्ट आ जाता है, एक महीने 5 दिन ऐसे लग सकता है, 30-35 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है। यानी कि नेक्स्ट सीटेट जो होगा ना, ये कब होगा? सितंबर में होगा। कब होगा? सितंबर में होगा। एक मिनट दीजिएगा,
ठीक है, माफ करिएगा, ठीक है, चलिए, खैर वो सब बात की बात है, हम बात कर रहे थे नेक्स्ट सीटेट कब होगा, दिसंबर में होगा, दिसंबर में एग्जाम होगा, सितंबर में फॉरम आएगा। अब बात आती है सर, ठीक है आपने बता दिया, तो अब हम, हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा नहीं आपका भी टारगेट क्या होगा, मैं एक बात आपसे 100% गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, 100% गारंटी, ठीक है, कि अगर जो आप मेरी बात मानते हो, मेरी बात क्या मानते हो, मानते हो, तो 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा, फर्स्ट सीटेट में ही आप पास कर जाओगे, पहला एग्जाम देने ही पास कर जाओगे। कैसे, सीटेट आपकी किस्मत अच्छी है, दो चीजें चल रही थी मार्केट में, कि हो सकता है सीबीएसई आपका एग्जाम कराता है और सीबीएसई का बना बनाया पैटर्न वही चलता चला आ रहा, हालांकि अब प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा टिपिकल हुआ है, एनईपी का जो गाइडलाइन आया या फिर नया पैटर्न आया कि भैया बच्चा केंद्र में होगा, बच्चों को ध्यान में रख के सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये बात चल रही थी कि भैया एनटीए एग्जाम कराएगा, अब जब एनटीए एग्जाम कराता तो पैटर्न सिलेबस सब कुछ चेंज हो जाता, लेकिन मुझे नहीं लगता, नहीं लगता होगा ही नहीं, इस बार भी आपका एग्जाम सीबीएसई कराने वाला, यानी कि सिलेबस जो आपका रहेगा वही रहने वाला। अब क्या सिलेबस रहेगा सर जी, हमको बता दीजिए, आइए सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, क्लियर है, कौन देगा एग्जाम, कब होगा, फॉरम कब आएगा। मैंने एक चीज बोला है कि मेरी बात मानते हो तो 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा, कैसे क्या रिजल्ट आएगा अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, मेरी बात मानते हो तो, ठीक है। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करें, ये जो पेपर वन है ये आपका बीएड वाले बच्चे नहीं दे सकते, पहले दे सकते थे क्योंकि 2018 में एनसीटीई का एक नोटिस आता है और ये कहा जाता है कि बीएड वाले भी प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे, उसके बाद बीएड वाले भी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर देने लगे थे, लेकिन बीएड वाले इसको नहीं दे, ये जो डीएलएड किए हैं, जो बीटीसी वाले हैं बच्चे, वो आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों दे सकते हैं, ठीक है। बीएड वाले भी फर्स्ट पेपर दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते, लेकिन वो एलिजिबल नहीं होगा आपके लिए, कोई मतलब नहीं है इसका देने का। तो बीएड वाले तैयारी करेंगे सेकंड पेपर का, डीएलएड वाले फर्स्ट पेपर का, ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा पीडीएफ, आपको सिलेबस का डिटेल में एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे हमारा है, टीचर्स वे एप्लीकेशन हमारा प्ले स्टोर पे, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे एक सिलेबस सेक्शन है, वहां पे आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा, ये ऐप आपके लिए जरूरी है डाउनलोड करना, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पेपर के लिए बता दूं, जो बच्चे डीएलएड किए हैं उनके लिए है 2.5 घंटे का पेपर होगा, 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन आपके लिए मिलने वाले हैं, 150 मिनट का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो सिलेबस है वो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, कंपलसरी है, सभी को देना है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर सीडीपी, 30 क्वेश्चन 30 नंबर आपका ये सीडीपी आपको आना है, सीडीपी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का सीडीपी, पैडागोजी बोलते हैं कह सकते हो, और बहुत बेहतरीन। देखो हम पेड क्लास नहीं लॉन्च करेंगे इस बार, हाँ लेकिन हमारे जो नोट्स होंगे, हमारे जो पीडीएफ होंगे वो आपको लेने पड़ेंगे जो पेड होंगे, उसके लिए मैं बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ, एप्लीकेशन पर आप जाओगे आपको पेड कोर्स का सेक्शन मिलेगा, वहां पे आपको पेड कोर्स में जाओगे एप्लीकेशन पर, वहां पे आपको सीटेट का पेड आपको एक बैच दिखेगा, उसको आपको परचेज करना होगा, जितना जल्दी परचेज कर लीजिए वो आपका, हम ये एग्जाम टिल जब तक नहीं हो जाता तब तक वो रहेगा, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ बनेंगे, जो बन रहे हैं कुछ बन चुके हैं, वो आपको इस बैच में मिलेंगे। तो आप सभी से गुजारिश करेंगे कि आप इस बैच को ले लीजिएगा, इसका फीस मैंने 299 रखा है, जिसमें सारे नोट्स हमारे सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। और मैंने बोला था कि अगर जो बात मानते हो तो 100% रिजल्ट आपका होगा, लेके जाएंगे आप, क्योंकि हम जिस हिसाब से पीडीएफ तैयार करवा रहे हैं और जिस हिसाब से हम क्लासेस यूट्यूब पे चलवाएंगे, उसके लिए आपको नोट्स लेना जरूरी होगा, क्योंकि हम सीडीपी भी आपका टॉपिक एमसीक्यू करेंगे, सीडीपी सारा टॉपिक समझाएंगे, फिर एमसीक्यू कराएंगे, हर चैप्टर वाइज कराएंगे, प्लस जो आपका एसएसटी वाला सेक्शन है
उसमें आपको नोट्स मिलेगा, पीडीएफ आपको चैप्टर पढ़ के आना है, उसी चैप्टर का एमसीक्यू हम कराएंगे, और इसी पीडीएफ में ही एसएसटी का चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का पीडीएफ देंगे शॉर्ट नोट, साथ में हर चैप्टर का एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अभी हम उसका महत्व बता देंगे, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ, अगर जो आप दिसंबर 2024 का देने जा रहे हैं, ये पेपर टू के लिए मैंने लिखा है, पेपर वन वाले अभी नहीं ज्वाइन करेंगे, पेपर टू के लिए नोट्स बन रहा है अभी, पेपर वन का ईवीएस वीएस अभी नहीं बन रहा है, ठीक है। बाकी तीन चीजें कॉमन होती है। खैर, हम बात करें लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सारे नोट्स, हिंदी सीडीपी एसएसटी संस्कृत के सारे नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, मात्र 299 में। आप जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें हिंदी के सीडीपी के थ्योरी नोट्स और इसके अलावा संस्कृत के नोट्स कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, आप जाके ले सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। कैसे क्या पढ़ना उसके बारे में हम बता देते हैं अभी, लेकिन आइए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे पेपर वन का सिलेबस। सबसे पहले 30 क्वेश्चन का आपका कंपलसरी है सीडीपी आपका रहने वाला है। इसके बाद आप देख रहे होगे पेपर वन जो डीएलएड वाले बच्चे उनको 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स मिलेगा और ईवीएस एनवायरमेंटल 30 क्वेश्चन मिलेगा। अब इसमें भी ध्यान रखना कि आपका टोटल 90 नंबर का सिर्फ पेडागोजी आता है। कहोगे सर ये कहाँ आप बता रहे हो, पेडागोजी 90 कहाँ आता है आपका? याद रखना ये जो मैथमेटिक्स है ना 30 क्वेश्चन, इसमें 15 क्वेश्चन आपका कंटेंट रहेगा, 15 क्वेश्चन आपका मैथ रहेगा, मैथ, और इसमें 15 क्वेश्चन क्या रहेगा, पेडागोजी, पेडागोजी मैथ का पेडागोजी होता है, ठीक है। और इसके अलावा ईवीएस में भी वही रहेगा, 15 क्वेश्चन कंटेंट रहेगा, कंटेंट रहेगा और 15 क्वेश्चन रहेगा पेडागोजी, ठीक है। यानी कि 15 यहां पेडागोजी, 15 यहां पेडागोजी। लैंग्वेज की बात करें, दो लैंग्वेज ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, लैंग्वेज में या तो आप हिंदी ले लो, ठीक है, या तो इंग्लिश ले लो, या तो आप संस्कृत ले लो, ठीक है। पेपर वन कुछ लोग हिंदी ले लेते हैं, पेपर टू कुछ लोग संस्कृत ले लेते हैं, पेपर वन कुछ लोग हिंदी ले लेते हैं, पेपर टू कुछ लोग इंग्लिश ले लेते हैं, वो आपके चॉइस के ऊपर है। अगर जो आपको संस्कृत अच्छा आता है संस्कृत लो, इंग्लिश अच्छा लगता है इंग्लिश लो, हिंदी तो लेते ही लेते हैं बच्चे। इसमें भी 30 नंबर में हिंदी अगर जो लेते हो तो 15 क्वेश्चन हिंदी का पेडागोजी, 15 क्वेश्चन हिंदी का कंटेंट रहता है, जिसमें दो गद्यांश आते हैं। जब आप पेड बैच हमारा लोगे उसमें आपको मिल जाएगा हिंदी का पूरा एग्जाम्पल, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। लैंग्वेज टू अगर जो आप संस्कृत लेते हो तो उसमें 15 नंबर गद्यांश पद्यांश रहेगा और 15 नंबर पेडागोजी, ठीक है। तो ये पेपर वन का सिलेबस टोटल रहने वाला, ठीक है। पेपर टू की बात कर लेते हैं, सीडीपी यहां पर भी फिर से मिलने वाला है 30 क्वेश्चन, सीडीपी यहां पर भी 30 क्वेश्चन मिलने वाला है। लैंग्वेज वन हिंदी, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये तीनों में से आप कोई भी दो चूज करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा, जिसमें 15 क्वेश्चन आप जो भी हिंदी लोगे तो 15 हिंदी, 15 पेडागोजी। यहाँ पे अगर जो मान लो संस्कृत लेते हो तो 15 संस्कृत रहेगा, 15 पेडागोजी रहेगा। चेंज कहाँ पे होता है, ये तीनों सेम रहते हैं, कॉमन रहते हैं। चेंज आपको ये 60 नंबर देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर भी अगर जो मैं बता दूँ 150 क्वेश्चन मिलते हैं और 150 मिनट आपको टाइम मिलता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे पेपर टू वाला सिलेबस जो है मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चे होते हैं जो बीए किए होते हैं, आर्ट्स वाले होते हैं, कुछ बच्चे बीएससी किए होते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स से किए होते हैं, या कह सकते हो बीकॉम किए होते हैं, है ना। तो जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनको 60 नंबर के लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस पढ़ना है, ठीक है, जो बीएससी वाले बच्चे हैं 30, 30, 60, 30, 90 प्लस 60 नंबर, ये 150 हो गया, उनको ये नहीं पढ़ना, जो बीएससी वाले बच्चे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर जो आपने बीएससी नहीं किया है तो आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है एसएसटी, जिसको बोलते हैं सोशल स्टडीज सोशल साइंस, ठीक है, ये आपको पढ़ना है 60 नंबर के लिए, ठीक है। मैंने एक चीज बोली थी आपको, अगर जो मेरी बात मानते हो तो 100% आप पहला अटेम्प्ट में पेपर पास कर जाओगे, क्योंकि बता दूं सीडीपी हम पढ़ाने वाले हैं। अगर जो आप बैच ये वाला ले लेते हो ना, ये बैच 100% आपका हो जाएगा, जिस हिसाब से मैं प्लान कर रहा हूं आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाने की, जिस हिसाब से मैंने बोला मैं पेड क्लास नहीं चलाऊंगा, पेड आपको पीडीएफ मिलेगा सिर्फ,
लेकिन जो भी क्लासेस चलेंगे वो यूट्यूब पे चलेंगे प्रैक्टिस वाली, और प्रैक्टिस हम हिसाब से करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे। हम आपको पहले बता देंगे आप ये चैप्टर पढ़ के आना है, आप नोट से पढ़ के आइएगा और उसी का एमसीक्यू हम करवा देंगे, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, एक चीज जो बोला जाता है मैं आपको बता दूं, ये आपको एनसीईआरटी की बुक है, एसएसटी वाले जो बच्चे हैं ठीक है वो ये वाली बुक ले लीजिएगा, एसएसटी वाले जिनका बीए और बीकॉम है ये वाली बुक आप ले सकते हो, ले लोगे अभी से पढ़ोगे बेटर रहेगा, 700-800 का पूरा बुक मिल जाएगा। अगर जो आपके पापा सरकारी टीचर हैं तो सरकारी स्कूल से मंगवा लो। ठीक है, ये क्या है, ये आपका हमारे अतीत हिस्ट्री का है, ठीक है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन ये पॉलिटी है, पृथ्वी हमारा आवास ये ये आपका जियोग्राफी है, ये हिस्ट्री जियोग्राफी और पॉलिटी का क्या है एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 6 to 8 ये बुक है। जो भी एसएसटी आता है, एसएसटी की बात करें, एसएसटी कितना नंबर आता है, 60 नंबर टोटल आता है, जिसमें 40 नंबर आपका कंटेंट होता है टोटल इसी बुक से आता है, 20 नंबर का पेडागोजी होता है। पेडागोजी तो हम देख लेंगे, लेकिन ये जो 40 नंबर है ये आपको इन किताबों से पढ़ना पड़ता है, इन किताबों से आता है। अब बैच अगर जो आप ज्वाइन करते हो तो इन किताबों का भी एक पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये पीडीएफ ये नहीं होगा, इन किताबों का निचोड़ थ्योरी में एक शॉर्ट नोट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और उसी शॉर्ट नोट्स के साथ आपको एमसीक्यू भी ऐड करके हम आपको देंगे इन्हीं बुक का। आप किसी भी से पूछेंगे सीटेट की तैयारी का बेस्ट तरीका क्या, तो आपको बोलेगा कि एनसीईआरटी 6 to 8 पढ़ डालो। तो अगर जो आप ये बुक ले सकते हो तो लेके पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, बेटर रहेगा आपके लिए। हालांकि मैं इसका शॉर्ट नोट आपको बैच में प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर जो आप बुक ले सकते हो तो ले लीजिए, पढ़ना स्टार्ट करिए। 40 नंबर आपका यहाँ से आता है, और अगर जो आप यहाँ से 22-23 कर लेते हो ना, तो पेडागोजी जो 20 आएगा ना, वहाँ पे आराम से 15 कर जाओगे, 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सीडीपी का घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हम आपको मैंने डेमो पीडीएफ सेंड किया था टेलीग्राम पे, और जो बच्चे बैच ले रहे हैं उनको थ्योरी का पूरा मेरा बनाया हुआ हैंड रिटन नोट्स है, मेरा बनाया हुआ हैंड रिटन नोट्स है, थ्योरी का एमसीक्यू मैं अलग से प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। और सीडीपी के लिए मैंने बोला पेड क्लास नहीं चलेगी, मुझे पता है समझ में नहीं आएगा आपको थ्योरी से पीडीएफ पढ़ के, तो सीडीपी का स्पेशली सीडीपी का मैं फिर से बता देता हूँ, सीडीपी का थ्योरी क्लास भी आपका चलेगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू साथ में चलेगा, एक दिन थ्योरी एक टॉपिक का, उसी अगले दिन एमसीक्यू, और पीडीएफ ले लिए रहोगे तो उसी पीडीएफ के हिसाब से क्लासेस चलेंगी, तो आराम से आप नोट्स बना सकते हो। अब मैं बता देता हूँ इस जो सीटेट एग्जाम है इसको पास करने के लिए, देखो ये हमारा अगर जो आप बैच लेते हो, ये वाला मैंने बोला ये बैच लेने के लिए 299 का, इसमें आपको अभी अगर जो लेते हो तो ये सीडीपी का ये वाला पीडीएफ थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी है, हिंदी के एमसीक्यू प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये पूरा पेपर मिल जाएगा आपको, संस्कृत का अभ्यास प्रश्न मिल जाएगा ये आपको, ठीक है, कर सकते हो। ये तीनों पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगा अगर जो बैच लेते हो तो। बाकी एनसीईआरटी वाला जो नोट्स है वो तैयार करवाया जा रहा है, वो भी 10 से 15 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसी फीस में आपको, उसी फीस में आपको, एक्स्ट्रा फीस नहीं देना। बाकी जितने भी पीडीएफ आएंगे सारे आपको इसी फीस में ही आपको मिल जाएंगे, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं फिर से कहूँगा, एप्लीकेशन हमारा टीचर्स वे है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोड करिए, जितना जल्दी हो सके आप ले लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप अलग से होगा सीटेट के लिए, उसके लिए आपको बैच जब ज्वाइन कर लेंगे उसी में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ एक और चीज़ के बारे में, बात कर रहा था कि कितना नंबर जरूरी है पास करने के लिए एग्जाम, ठीक है, कितना नंबर जरूरी है एग्जाम पास करने के लिए, इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। सीटेट के लिए बात करूँ, सीटेट के लिए बात करूँ कितना नंबर जरूरी है पास करने के लिए, तो सीटेट के लिए मान के 90 प्लस टारगेट आपका रहना चाहिए, ठीक है, 90 प्लस आपका टारगेट रहना चाहिए। ये 90 प्लस आता है किसी, मैं जनरल ओबीसी एसएससी की बात नहीं कर रहा, आप कहोगे सर 82 नंबर ओबीसी के लिए चाहिए होता है, मान लो केवीएस का फॉर्म आ गया तो आप 82 नंबर ला के क्या करोगे, आप भर ही नहीं पाओगे। हाँ, अगर जो आप जनरल से है तो 90 नंबर मैं बता देता हूँ, और ओबीसी एससी एसटी हैं तो 82 नंबर क्वालिफाई हैं आप एग्जाम। लेकिन अगर जो मान लो यूपी से हैं आप 82 नंबर लाएं,
यूपी में टीचर वैकेंसी जॉब आ गई तो 82 नंबर प्लस है, जनरल ओबीसी एससी एसटी तो एलिजिबल है, लेकिन सेंट्रल का कोई जॉब आ गया या बिहार का शिक्षक भर्ती अप्लाई करना है तो आप 82 नंबर लाके कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि 82 के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। 82 आप अगर जो ले आते हो बिहार के बच्चे, तो बिहार की वैकेंसी स्टेट में आपका अलाउ है, ठीक है, 82 प्लस आप भर सकते हो, लेकिन सेंट्रल लेवल पे नहीं है या अलग स्टेट में नहीं भर सकते। इसीलिए ये 82 मत देखना कभी भी, आपका टारगेट 90 प्लस होना चाहिए। बहुत आराम से आप कर सकते हो तरीके से तैयारी करके, तरीके से तैयारी करके यार, हिंदी में आराम से आप 22 प्लस कर सकते हो, ठीक है। अगर जो आप संस्कृत लेते हो, गद्यांश पद्यांश आता है तो आराम से आप 20 यहां जा सकते हो, पैडागोजी 10 नंबर आता है, गद्यांश से ही आंसर छाटना होता है, लेकिन उसी में बच्चे इधर उधर करके चले आते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीडीपी में आप 30 क्वेश्चन आता है, आराम से 22 कर सकते हो, बहुत आसानी से करोगे, बात को मानोगे तो। मैं पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, परेशान मत होइएगा, लेकिन अभी जो कह रहे हैं वो काम कर लो। सारे क्लासेस यूट्यूब पे चलेंगे। सीडीपी एक महीने में खत्म हो जाएगा, सीडीपी एक महीने, नोट्स आपके पास रहना चाहिए, हाँ नोट्स आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। एसएसटी की बात करें, एसएसटी की बात करें भैया, 40 नंबर कंटेंट आता है एनसीईआरटी, मैं पढ़ाऊंगा बहुत आराम से, आप 22 प्लस जाओगे, और 20 नंबर का पेडागोजी आता है, आराम से यहाँ पे 20 नंबर पे आप 12 से 14 करके आ जाओगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर बात करें 4, 2, 1, 3, 34 नंबर यहाँ से कर लोगे, हो गया बस काम खत्म, काम भर का हो गया। कितना हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर, और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 98 नंबर हो गया, बस यही तो चाहिए हमको। दो चार पांच क्वेश्चन गलत भी हो जाते तब भी 90 प्लस हो। एक चीज और याद रखना, इसमें नो निगेटिव मार्किंग होता है, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग। तो जो बच्चे सीरियस हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो अभी से आपको लगना पड़ेगा, और अभी से लग के जो नोट्स हमने दिया वो पढ़ सकते हो, ठीक है। आप जैसे ही बैच लोगे ना, हिंदी वाला देखोगे गदगद हो जाओगे, ये ऐसा पेपर आता है, हैं, ठीक है। संस्कृत वाला देखोगे गदगद हो जाओगे, हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो थोड़ी सी थ्योरी वाला, लेकिन ये भी गदगद हो जाओगे जब पढ़ाया जाएगा आपको तब, ठीक है। तो आप सभी लोगों से चाहेंगे कि हमारा एप्लीकेशन है टीचर्स पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, जितना जल्दी हो सके हमारा ये वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए, सीटेट दिसंबर, ठीक है, 2024 वाला। जो बीएससी वाले बच्चे वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, हालांकि मैंने उसमें लिखा है कि पेपर टू वाले सिर्फ आर्ट वाले, लेकिन ज्वाइन कर लीजिएगा। साइंस की पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, और कोई दिक्कत होगी, समस्या होगी पूछ लीजिएगा। और एनसीईआरटी अभी के लिए मैं बता दूं, अगर जो आपके पास एनसीईआरटी किताब है तो इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और मैं कोशिश करूंगा 10 से 15 दिन में जो बच्चे भी बैच वाले हैं उनको मैं एनसीईआरटी की शॉर्ट पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है, लेकिन बुक से पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा, और इसकी एमसीक्यू भी आपको साथ में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।